हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माय चैनल आज का मेरा टॉपिक है फ्रैक्शन तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो फ्रैक्शन ये डेफिनेशन मैंने पहले से ही लिखी हुई है फ्रैक्शन अ फ्रैक्शन इज़ अ पार्ट ऑफ होल अ होल कैन बी अ कलेक्शन और अ रीजन लेट अस रिकॉल द डिफरेंट टाइप ऑफ फ्रैक्शंस जो फ्रैक्शंस होता है वो अ फ्रैक्शन इज अ पार्ट ऑफ होल फ्रैक्शन क्या होते हैं एक होल का पार्ट होता है चलिए मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाती हूँ ये होल है ये सर्कल शेप में हम एग्जाम्पल ले, ले सकते हैं जैसे ये पिज़्ज़ा है तो ये अभी होल है ये पूरा है तो इसको होल बोलते हैं और जब हम इसके पार्ट कर देंगे तो ये इसका फ्रैक्शन हो गया तो ये इसका फ्रैक्शन हो गया मैंने इसके एट पार्ट कर दिए हैं जब हमें पिज्ज़ा सर्व किया जाता है तो स्लाइस में सर्व किया जाता है तो स्लाइस उसके फ्रैक्शन बोलेंगे हम उसको जैसे ये मैंने एट पार्ट में डिवाइड कर दिया तो हम वन पार्ट को लिखेंगे वन बाई एट एट इसलिए लिखेंगे क्योंकि मैंने ये आठ पार्ट किए हैं इसके और वन उसमें से स्लाइस लिया है तो ये होता है फ्रैक्शन और नेक्स्ट इसके कितने टाइप्स के फ्रैक्शंस होते हैं वो पढ़ लेते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन अ फ्रैक्शन न्यूमरेटर इज़ लेस देन द डिनोमिनेटर इट इज़ ऑलवेज लेस देन वन फॉर एग्जाम्पल फाइव बाई सिक्स सेवन बाई नाइन वन बाई एट जो इसका डिनोमिनेटर होता है वो हमेशा बड़ा होता है और न्यूमरेटर इससे हमेशा छोटा होता है तो दिस इज़ कॉल्ड प्रॉपर फ्रैक्शन एंड नेक्स्ट है इम प्रॉपर फ्रैक्शन अ फ्रैक्शन हुज न्यूमरेटर इज़ ग्रेटर देन द डिनोमिनेटर दैट इज नाइन बाई सेवन एट बाय फाइव थ्री बाई टू इट कैन बी रिटर्न एज अ मिक्स फ्रैक्शन जो इम प्रॉपर फ्रैक्शन है उसका जो डिनोमिनेटर है वो हमेशा छोटा होता है और न्यूमरेटर हमेशा बड़ा होता है तो हम इसको कन्वर्ट करके एज अ मिक्स फ्रैक्शन भी लिख सकते हैं नेक्स्ट है यूनिट फ्रैक्शन अ प्रॉपर फ्रैक्शन विद न्यूमरेटर वन फॉर एग्जांपल, वन बाय सिक्स वन बाय एट वन बाय नाइन यूनिट फ्रैक्शन में जो न्यूमरेटर होता है वो सबका वन होता है और डिनोमिनेटर डिफरेंट होता है लाइक like फ्रैक्शन फ्रैक्शन विद द सेम डिनोमिनेटर दैट इज थ्री बाय फाइव सेवन बाय फाइव नाइन बाय फाइव इसमें लाइक फ्रैक्शन में जो डिनोमिनेटर होता है वो सबका सेम होता है जैसे हमें एडिशन माइनस कुछ भी करना है इसमें सब्सट्रक्शन एडिशन कुछ भी करना है तो इजीली हम इसको कर सकते हैं क्योंकि इसका हमें डिनोमिनेटर सेम करने की ज़रूरत नहीं है अनलाइक फ्रैक्शन फ्रैक्शन विद डिफ़रेंट डिनोमिनेटर्स फॉर एग्जाम्पल वन बाय फोर सेवन बाई एट थ्री बाय सेवन फोर बाय अलेवन अनलाइक फ्रैक्शन में क्या होता है सबका डिनोमिनेटर डिफरेंट होता है जब हमें इसका एडिशन सब्सट्रैक्शन कुछ भी करना हो तो सबसे पहले हमें इसको इसका डिनोमिनेटर सेम करना पड़ता है उसके बाद हम आगे का प्रोसेस कर सकते हैं इसमें और मिक्स फ्रैक्शन a कॉम्बिनेशन ऑफ होल नंबर एंड अ प्रॉपर फ्रैक्शन फॉर example, फोर by टू थ्री सेवन वन by एट फाइव थ्री by फोर तो मिक्स फ्रैक्शन क्या होता है दो नंबर्स का कॉम्बिनेशन होता है होल नंबर होल नंबर क्या है फोर होल नंबर है और प्रॉपर फ्रैक्शन यहाँ पे टू बाय थ्री है तो जब इन दोनों को मिला के एक फ्रैक्शन बनता है तो उसको मिक्स फ्रैक्शन बोलते हैं कुछ एग्जाम्पल्स ले लेते हैं ये मैंने कुछ क्वेश्चंस पहले से ही लिखे हैं इनको मैं आपको करके दिखाती हूँ कंपेयर द फॉलोइंग लाइक फ्रैक्शन एंड फिल इन ब्लैंक विद मोर देन और लेस देन इसमें हमें करना है मैं वर्क के थ्रू आपको करके दिखाती हूँ ये क्वेश्चन है फाइव बाई नाइन एंड सेवन बाई नाइन तो इसका डिनोमिनेटर सेम है तो यहाँ पे मेरे को रफ़ वर्क करने की ज़रूरत नहीं है तो ये डिनोमिनेटर सेम है और फाइव और सेवन में से हम ये देख लेंगे कि कौन सा इसमें ग्रेटर देन है तो फाइव से सेवन ग्रेटर देन है तो हम ये वाला साइन लगाएंगे लेस देन जो आगे लिखा है क्योंकि ये लेस देन है तो लेस देन का साइन हमेशा इधर को होता है राइट हैंड साइड को इसको भी ले लेते हैं सेवन बाय अलेवन फोर बाय अलेवन डिनोमिनेटर सेम है कोई भी क्वेश्चन को करने से पहले सबसे पहले हमें फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर चेक करना होता है उसके बाद हम नेक्स्ट प्रोसेस करते हैं तो यहाँ पे सेवन बड़ा है फोर से तो हम मोर देन का साइन लगाएंगे यहाँ पे एंड क्वेश्चन टू है चेंज इन टू मिक्स फ्रैक्शन ये मेरे को मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है फ़िफ्टीन बाई नाइन चलिए ये बताती हूँ कैसे करते हैं फिफ्टीन बाई नाइन इसको हम डिवाइड करेंगे नाइन से फिफ्टीन को नाइन से फिफ्टीन को करेंगे नाइन टू ज़ा एटीन होता है तो टू ज़ार नहीं होगा टू ज़ार नहीं होगा तो नाइन तो फिफ्टीन माइनस नाइन इज सिक्स एंड वन तो हम इसका आंसर लिखेंगे तो आंसर हो गया वन वन सिक्स रिमाइंडर एंड नाइन तो इसका आंसर हो गया वन सिक्स बाय नाइन नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्टी सिक्स बाई फोर्टीन थर्टी सिक्स बाई फोर्टीन को भी हम सेम तरीके से कर लेंगे थर्टी सिक्स बाई फोर्टीन फोर्टीन थर्टी सिक्स डिवाइडेड बाई फोर्टीन फोर्टीन वन आर फोर्टीन फोर्टीन टूज आर ट्वेंटी एट हम इसको माइनस कर लेंगे थर्टी सिक्स माइनस ट्वेंटी एट इट्स एट तो हम इसका फ्रैक्शन बन गया क्वेश्चन था इसका टू रिमाइंडर एट एंड डिनोमिनेटर फोरटीन ये डिनोमिनेटर सेम रहेगा तो इसका आंसर हो गया टू एट बाई फोरटीन नेक्स्ट क्वेश्चन है चेंज इन टू इम प्रॉपर फ्रैक्शन फोर थ्री बाई सेवन फोर थ्री बाई सेवन को कर लेती हूँ इसको करते हैं फोर फोर इंटू सेवन प्लस थ्री बाई सेवन ये होगा फोर इंटू सेवन इज इक्वल टू ट्वेंटी एट प्लस थ्री प्लस थ्री ट्वेंटी एट प्लस थ्री इज वल टू थर्टी वन बाई सेवन आंसर हो गया थर्टी वन बाई सेवन नेक्स्ट क्वेश्चन है सेवन एट बाई नाइन इसको भी इम प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करना है तो इसका भी सेम होगा सेवन इन टू नाइन प्लस एट सेवन नाइन एट बाई नाइन सेवन नाइन ज नाइन सिक्सटी थ्री प्लस एट सिक्सटी थ्री प्लस एट इज इक्वल टू सेवेंटी वन सेवेंटी वन बाई नाइन इसका आंसर है हाँ तो इसका आंसर है सेवेंटी वन बाई नाइन नेक्स्ट क्वेश्चन है शेड टू शो एक फ्रैक्शन यहाँ पे मैंने पिक्चर्स ड्रॉ कर ली है और टू बाई एट वन बाय फोर पहले ही लिखा है ये टू बाई एट टू पार्ट्स को मेरे को शेड करना है एट इसलिए लिखा है डिनोमिनेटर क्योंकि इसके एट पार्ट किए हैं तो मेरे को टू शेडेड करने हैं टू बाई एट तो मैं कोई भी पार्ट ले सकती हूँ ये टू मैंने शेडेड कर दिए हैं तो हम इसको लिखेंगे यहाँ पे टू बाई एट और ये है वन बाई फोर वन बाई फोर फोर ये हैं वन टू थ्री फोर वन बाई फोर लिखा है तो वन पार्ट मैं यहाँ पे शेड करूँगी तो ये इसका हो जाएगा फ्रैक्शन जो शेडेड पार्ट है ये इसका फ्रैक्शन हो जाएगा तो टू बाई एट क्योंकि यहाँ पे टू पार्ट शेडेड हैं एंड वन बाई फोर वन पार्ट यहाँ पे शेडेड है और इन दोनों की वैल्यू सेम है सो दैट्स वाई टू टू बाई एट इज इक्वल टू वन बाय फोर इसका रिड्यूस फॉर्म टू बाई एट का रिड्यूस फॉर्म वन बाय फोर होता है तो ये था मेरा आज का वीडियो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें शेयर करें अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और मेरे आने वाले नोटिफिकेशंस के लिए जो सब्सक्राइब के साइड में एक बेल आइकन है उसको हिट करना ना भूलें मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाय थैंक यू थैंक्स फॉर वॉचिंग